नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार पिछले साल वेज कोड बिल पारित करने के बाद अब इस साल एक ही झटके में 4 नए श्रम कानून बनाने की तैयारी में है। सरकार का प्लान है कि इस वर्ष 2020 के अंत तक किसी भी हाल में सभी 4 श्रम कानूनों को लागू कर दिया जाए। साथ ही ये भी लक्ष्य है कि श्रम कानूनों में जो भी सुधार या बदलाव करने हैं वो भी इस वर्ष के अंत तक हो जाए। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इस बात की जानकारी दी। एक इंटरव्यू के दौरान श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, केंद्र सरकार इस वर्ष के अंत तक सभी 4 श्रम कानूनों को लागू करके श्रम सुधारों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। वेज कोड बिल पिछले वर्ष पारित किया गया था और अब सदन में 3 और श्रम संबंधित बिल पारित किए गए हैं, जिसके बाद चारों को एक बार में लागू किया जाएगा। इस वर्ष पारित किए गए औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा बिल का मसौदा नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में पूरा करने के आसार हैं, जिसके बाद भारतीय कानून के अनुसार इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और ये कानून बन जाएगा। फिर सरकार जब चाहे इसे लागू कर सकती है। इन सभी कानूनों को एक साथ लागू करने के पीछे केंद्र सरकार की बड़ी मंशा है, जिसे वो पूरा करना चाहती है। ये सभी बिल के कानून बनने के बाद सरकार व्यापक श्रम सुधारों के जरिए भारत को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 10 देशों में लाना चाहती है। ऊंची रैंकिंग के बदौलत देश में निवेशकों की गिनती बढ़ जाएगी और आर्थिक प्रगति को तेज रफ्तार मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।